ओम शांति। ध्यान लगाकर आंखों को बंद करके सुने आज की मुरली। 23 जुलाई दिन रविवार 2023 प्रातः मुरली। सर्व प्राप्ति संपन्न आत्मा की निशानी संतुष्टता और प्रसन्नता। आज सर्व प्राप्तियां कराने वाले बाप दादा अपने चारों ओर के प्राप्ति संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। सर्व प्राप्तियों के दाता संपन्न और संपूर्ण बाप के बच्चे हैं, तो हर एक बच्चे को बाप ने सर्व प्राप्तियों का वर्षा दिया है। ऐसे नहीं किसको 10 दिया हो, किसको 20 दिया हो, सभी बच्चों को सर्व प्राप्तियों का अधिकार दिया है। सभी बच्चे फुल वर्षे के अधिकारी हैं। तो बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक अधिकारी बच्चों ने अपने में प्राप्तियों का अधिकार कितना प्राप्त किया है। बाप ने सर्व दिया है। बाप को सर्व शक्तिमान व संपन्न सागर कहते हैं। लेकिन बच्चों ने उन प्राप्तियों को कहां तक अपना बनाया है? बाप का दिया हुआ वर्षा जब अपना बना लेते हैं, तो जितना अपना बनाते हैं उतना नशा और खुशी रहती है। मेरा खजाना है दिया बाप ने, लेकिन अपने में धारण कर अपना बना लिया, तो क्या देखा कि अपना बनाने में नंबरवार हो गए हैं। बाप ने नंबर नहीं बनाए हैं, लेकिन अपने अपने धारणा की यथाशक्ति ने नंबरवार बना दिया है। संपूर्ण अधिकार व सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा जो सदा अमृत वेले से रात तक प्राप्तियों के नशे व अनुभव में रहती है, उनकी निशानी क्या होगी? प्राप्तियों की निशानी है संतुष्टता। वो सदा संतुष्ट मणि बन दूसरों को भी संतुष्टता की झलक का वाइब्रेशन फैलाते रहते हैं। उनका चेहरा सदा प्रसन्नचित दिखाई देगा। प्रसन्नचित अर्थात सर्व प्रश्नचित से न्यारा। कोई प्रश्न नहीं होगा, प्रसन्न होगा। क्यों, क्या, कैसे, ये सब समाप्त। तो ऐसे प्रसन्नचित बने हो कि अभी भी कभी कभी कोई प्रश्न उठता है कि ये क्या है, ये क्यों है, ये कैसे होगा, कब होगा। ये प्रश्न चाहे मन में चाहे दूसरों से उठता है। प्रश्नचित हो या प्रसन्नचित हो, या कभी प्रश्नचित कभी प्रसन्नचित, क्या है वैसे गायन है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये किसका, किन ब्राह्मणों का गायन है? आपका है या दूसरे आने वाले हैं? आप ही हो। तो जब कोई अप्राप्ति होती है ना, अप्राप्ति असंतुष्टता का कारण है। अपना अनुभव देखो, कभी भी मन असंतुष्ट होता है तो कारण क्या होता है? कोई ना कोई अप्राप्ति का अनुभव करते हो तब असंतुष्टता होती है। गायन तो है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। ये आपका गायन है या विनाश के समय का? विनाश के समय संपन्न हो जाएंगे कि अभी होना है। जो समझते हैं कि हम सदा प्रसन्नचित रहते हैं, कभी भी किसी भी बात में, चाहे अपने संबंध में चाहे दूसरों के संबंध में भी प्रश्न नहीं उठता, सदा संतुष्ट रहते हैं, ऐसी संतुष्ट आत्माएं कितनी होंगी? बहुत हैं। अच्छा, जो समझते हैं सदा प्रसन्न रहते हैं, चाहे माया कितना भी हिलाए, लेकिन हम नहीं हिलते, माया को हिला देते हैं। माया नमस्कार करती है, हम अगध हैं, माया हार जाती, लेकिन हम विजयी हैं। जो ऐसे हैं वो हाथ उठाओ। सदा शब्द याद रखना, कभी कभी वाले नहीं। बहुत थोड़े हैं, कोटों में कोई है। क्वेश्चन मार्क उठता तो है ना, क्वेश्चन मार्क डिक्शनरी से निकल जाए, हलचल भी ना हो, कंप्यूटर चलाते हो तो उसमें आता है ना। आपके बुद्धि रूपी कंप्यूटर में सदा फुल स्टॉप की मात्रा आए, क्वेश्चन मार्क आश्चर्य की मात्रा खत्म। इसको कहा जाता है सदा प्रसन्नचित। ऐसा प्रसन्नचित औरों का भी क्वेश्चन मार्क खत्म कर देता है। नहीं तो स्वयं में अगर क्वेश्चन मार्क है तो कोई भी बात सुनेंगे, देखेंगे, कहेंगे हाँ ये तो होना नहीं चाहिए, लेकिन होता है। मैं भी समझती हूँ होना नहीं चाहिए, मिक्स हो जाएंगे, उसके प्रश्न को और अंडरलाइन कर देंगे, टेका तो दे दिया ना कि हाँ ये ठीक नहीं है, लेकिन होता है। तो प्रसन्नचित उसको नहीं किया, लेकिन और ही प्रश्न को बढ़ा लिया, एडिशन हो गई।
वैसे एक का क्वेश्चन था, अभी दो का हो गया, दो से चार का हो जाएगा। तो प्रसंचित वाइब्रेशन के बजाय प्रश्नचित का वाइब्रेशन जल्दी फैलता है। हाँ ऐसा है, साथ दे दिया, आश्चर्य की मात्रा आ गई ना। हाँ तो फुल स्टॉप तो नहीं हुआ ना, चाहे अपने प्रति भी, ये मेरे से होना नहीं चाहिए, ये मेरे को मिलना चाहिए, ये दूसरे को नहीं होना चाहिए, तो ये चाहिए चाहिए प्रश्नचित बना देती है, प्रसंचित नहीं। तो सभी का लक्ष्य क्या है? संतुष्ट, प्रसंचित। जिसका प्रसंचित होता है उसके मन बुद्धि के व्यर्थ की गति फास्ट नहीं होगी, सदा निर्मल निर्माण। निर्माण होने के कारण सभी को अपने प्रसंचित की छाया में शीतलता देंगे। कैसा भी आग समान जला हुआ, बहुत गर्म दिमाग का हो, लेकिन प्रसंचित के वाइब्रेशन की छाया में शीतल हो जाएगा। कमजोरी क्या आती है? वैसे ठीक चलते हो, अपने रीति से अच्छे चलते हो, लेकिन जब संबंध संपर्क में आते हो तो दूसरे की कमजोरी देखते सुनते वर्णन करते प्रभाव में आ जाते हो, फिर कहते हो कि इसने किया ना, इसीलिए मेरे से भी हो गया, इसने कहा तभी मैंने कहा, उसने 50 बारी कहा मैंने 1 बारी कहा। फिर बाप के आगे भी बहुत मीठी मीठी बातें रखते हैं, कहते हैं बाबा आप समझो ना, इतना सहन कहाँ तक करेंगे, फिर भी पुरुषार्थी है ना, तो थोड़ा तो आएगा ना, बाप को भी समझाने लगते हैं। यहाँ जो निमित है उन्हों को बहुत कथाएं सुनाते हैं, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसा था ना, ऐसे ऐसे की माला जपते हैं। बाप दादा सदा ही इशारा देते हैं कि ऐसी बातें दो अक्षर में वर्णन करो, लंबा वर्णन नहीं करो, क्योंकि ये व्यर्थ बातें बहुत चटपटी होती है, मजेदार लगती है, जैसे खाने में भी खट्टी मीठी चीज हो तो अच्छी लगेगी ना, और फीकी सादी हो तो कहेंगे ये तो खाते ही रहते हैं। तो व्यर्थ बातें, व्यर्थ चिंतन सुनना बोलना और करना, इसमें चलते चलते इंटरेस्ट बढ़ जाता है, फिर सोचते हैं मैं तो नहीं चाहती थी लेकिन उसने सुनाया ना, तो मैंने कहा कि अच्छा उसका सुन ले, दिल खाली कर दे, उसकी तो दिल खाली हुई और आपने दिल भर ली। वो थोड़ा थोड़ा दिल में भरते भरते फिर संस्कार बन जाता है, और जब संस्कार बन जाता है तो महसूस ही नहीं होता कि ये रांग है। ये व्यर्थ संस्कार बुद्धि के निर्णय को खत्म कर देता है, इसलिए सबसे सहज सदा संतुष्ट रहने की विधि है, सदा अपने सामने कोई न कोई विशेष प्राप्ति को रखो, क्योंकि प्राप्ति भूलती नहीं है, ज्ञान की पॉइंट्स भूल सकती है लेकिन कोई भी प्राप्ति भूलती नहीं है। बाप से क्या क्या मिला, कितना मिला है, वैरायटी पसंद आती है ना, एक जैसा पसंद नहीं होता। तो आप अपने प्राप्तियों को देखो, ज्ञान के खजाने की प्राप्ति कितनी है, योग से शक्तियों की प्राप्ति कितनी है, दिव्य गुणों की प्राप्तियां कितनी है, प्रैक्टिकल नशे में खुशी में रहने की प्राप्तियां कितनी है, बहुत लिस्ट है ना। पहले भी सुनाया था कि कभी कोई गुण की प्राप्ति को सामने रखते हुए संतुष्ट रहो, क्योंकि एक गुण भी अपनाया तो जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, अगर बाहर के रूप में इमर्ज रीति से क्रोध है लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है, ये सब आपस में साथ ही है, कोई इमर्ज रूप में होते हैं कोई मर्ज रूप में होते हैं, तो गुण भी जो है उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्ज रूप में होते हैं, तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्ज रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। वैसे भी देखो दुनिया में भी मुख्य प्राप्ति सभी क्या चाहते हैं, हर एक चाहता है कि अपना नाम अच्छा हो, दूसरा मान और तीसरा शान। नाम मान शान ये प्राप्त करना चाहते हैं। आप भी क्या चाहते हो? आप भी तो यही चाहते हो ना, हद का नहीं बेहद का,
तो दुनिया वाले तो हद के नाम के पिछाड़ी दौड़ते हैं, और आपका नाम विश्व में जितना ऊंचा है उतना और किसका है? तो आप अपने नाम को देखो। सबसे नाम की विशेषता ये है कि आपका नाम कौन जपता है? स्वयं भगवान आपका नाम जपता है, तो इससे बड़ा नाम क्या होगा? आपके नाम से अभी लास्ट जन्म में भी अनेक आत्माएं अपना शरीर निर्वाह चला रही हैं। आप ब्राह्मण हो ना, तो ब्राह्मणों के नाम से आज भी नामधारी ब्राह्मण कितना कमा रहे हैं? अभी तक नामधारी ब्राह्मण भी कितना ऊंचे गाए जाते हैं। तो आपके नाम की कितनी महिमा है, इतना श्रेष्ठ नाम आपका हो गया, इसीलिए हद के नाम के पीछे नहीं जाओ। मेरा नाम तो कभी किसी में लेते ही नहीं है, मेरा नाम सदा पीछे ही रहता है, सेवा मैं करती हूँ नाम दूसरे का हो जाता है। तो हद के नाम के पीछे नहीं जाओ, बाप के दिल में आपका नाम सदा ही श्रेष्ठ है। जब बाप के दिल में नाम हो गया तो कोई सेवा में या कोई प्रोग्राम में या कोई भी बातों में आपका नाम नहीं भी आया तो क्या हर्जा, बाप के पास तो है ना। जैसे भक्ति मार्ग में हनुमान का चित्र दिखाते हैं ना, तो उसके दिल में क्या था? राम था। और बाप के दिल में क्या है? बच्चे तो बच्चों में आप हो या नहीं हो, तो सभी का नाम है, देखा है, पक्का, कभी मिस हो गया हो तो। आप सभी का नाम है तो और नाम के पीछे क्यों पढ़ते हो? क्योंकि मेजॉरिटी यही नाम मान शान गिराता भी है, और यही नाम मान शान नशा भी चढ़ाता है। तो प्राप्ति के रूप में देखो, अगर मानो कोई कारण से आपका नाम गुप्त है और आप समझते हो कि मेरा नाम होना चाहिए, यथार्थ है, फिर भी अगर किसी आत्मा से हिसाब किताब के कारण या उसके संस्कार के कारण आपका नाम नहीं होता है, आप राइट हो, वो रांग है, फिर भी उसका नाम होता है, आपका नहीं, तो विजय माला में आपका नाम निश्चित है। इसीलिए इसकी भी परवाह नहीं करो। इस रूप में माया ज्यादा आती है, इसलिए अभी गलती से नाम मिस हो भी गया, कोई हर्जा नहीं, लेकिन विजय माला में आपका नाम मिस नहीं हो सकता, पहले आपका नाम होगा। तो अपने नाम की महिमा याद रखो कि मेरा नाम बाप के दिल पर है, विजय माला में है, अंत तक मेरा नाम सेवा कर रहा है। और आपका मान कितना है, भगवान ने भी आपको अपने से आगे रखा है? पहले बच्चे तो स्वयं बाप ने मान दे दिया, कितना आपका मान है उसका प्रूफ देखो कि आपके जड़ चित्रों का भी लास्ट जन्म तक कितना मान है। चाहे जाने नहीं जाने, लेकिन कोई भी देवी देवता का चित्र होगा तो कितने मान से उसको देखते हैं। सबसे श्रेष्ठ मान अब तक आपके चित्रों का भी है, ये प्रूफ है। जब आपके चित्र ही इतने माननीय पूजनीय है, तो जिसका मान रखा जाता है उसको पूजनीय माना जाता है। हमेशा कहते हैं ना, ये हमारे पूजनीय है, पूज्य है। तो प्रैक्टिकल प्रूफ है कि आपके चित्रों का भी मान है, तो चैतन्य में है तब भी चित्रों का मान है। अगर चैतन्य में मान नहीं होता तो चित्रों को कैसे मिलता? बाप तो सदा कहते हैं पहले बच्चे, बच्चे डबल पूजे जाते हैं, बाप सिंगल। तो आपका मान बाप से ज्यादा हुआ ना, इतना श्रेष्ठ मान मिल गया। तो जब भी कोई हद के मान की बात आए तो सोचना कि आत्माओं का मान क्या करेगा जब परम आत्मा का मान मिल गया। ऐसे नहीं सोचो कि हम इतना कुछ करते हैं फिर भी मान नहीं देते, पूछते ही नहीं है, ये सोचना व्यर्थ है। क्योंकि जितना आप हद के मान के पीछे दौड़ लगाएंगे ना, तो ये हद की कोई भी चीज परछाई के समान है। परछाई के पीछे पड़ने से कभी परछाई मिलती है कि और आगे बढ़ती जाती है। तो ये हद का मान, हद का नाम, ये परछाई है। ये माया के धूप में दिखाई देती है, लेकिन है कुछ भी नहीं। तो नाम भी आपको मिल गया, मान भी आपको मिला हुआ है, और शान कितना है? अपने एक एक शान को याद करो, और किसने शान में बिठाया? बाप ने बिठाया। बाप के दिल का तनशीन है, सबसे बड़े ते बड़ी शान राज्य पद है ना। तो आपको तख्त ताज मिल गया है ना, जो परम आत्मा के तख्तनशीन है, इससे बड़ी शान क्या है?
कभी कभी निर्णय करने में एक छोटी सी गलती कर देते हो। जो रियल शान है, रूहानी शान है, वो कभी भी अभिमान की फीलिंग नहीं देगा। तो कभी कभी क्या करते हो, होता अभिमान है लेकिन समझते हो कि ये शान तो अपना रखना चाहिए, इतना शान तो रखना चाहिए ना, शान में रहना अच्छा होता है। लेकिन शान है या अभिमान है, उसको अच्छी तरह से चेक करो। कभी कभी अभिमान को शान समझ लेते हैं और फिर निर्माण नहीं होते हैं। आप अपने शान को रियल समझते हो लेकिन दूसरे समझते हैं कि ये अभिमान है, तो थोड़ा भी कुछ कह देंगे तो आपको अपमान लगेगा। अभिमान वाले को अपमान बहुत जल्दी फील होगा। थोड़ा भी किसने हंसी में भी कुछ कह दिया तो अपमान लगेगा। ये अभिमान की निशानी है। सोचेंगे, नहीं मैं तो ऐसा हूं नहीं, ऐसे थोड़े ही कहना चाहिए। तो निर्णय ठीक करो, उस समय निर्णय में कमी कर लेते हो। यथार्थ के बजाय मिक्स होता है और आप उसको यथार्थ समझ लेते हो। तो कहने में आता है कि ये है बहुत अच्छे, लेकिन बोलचाल, उठना बैठना जो है ना, वो अभिमान का लगता है। ये भी किसी ने कहा तो अपमान की फीलिंग आ जाएगी। तो स्वमान और अभिमान के अंतर को भी चेक करो। स्वमान कितना बड़ा है, शान कितनी बड़ी है, उस बेहद के नाम, मान और शान को सदा इमर्ज रखो। मर्ज नहीं, इमर्ज करो। जैसे याद में कभी कभी अलबेलापन आ जाता है तो कहते हैं हम है ही बाप के, याद क्या करें। लेकिन इमर्ज संकल्प से प्राप्ति का अनुभव होता है। ऐसे ही हर धारणा में अलर्ट रहो, अलबेले नहीं बनो, क्योंकि समय समीप आ रहा है और समय समीप क्या सूचना दे रहा है। समान बनो, संपन्न बनो। तो समय की चैलेंज को देखो और सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। अच्छा, चारों ओर के सदा सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं, सदा संतुष्ट सदा प्रसन्नचित रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं, सदा स्वयं को श्रेष्ठ नाम मान शान के अधिकारी अनुभव करने वाली समीप आत्माएं, सदा सर्व को संतुष्टता के वाइब्रेशन की लाइट माइट देने वाले प्रसन्नचित आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वरदान, हर सेकंड स्वयं को भरपूर अनुभव कर सदा सेफ रहने वाले स्मृति सो समर्थ स्वरूप भव। बाप दादा द्वारा संगमयुग पर जो भी खजाने मिले हैं उनसे स्वयं को सदा भरपूर रखो। जितना भरपूर उतना हलचल नहीं, भरपूर चीज में दूसरी कोई चीज आ नहीं सकती। ऐसे नहीं कह सकते कि सहन शक्ति व शांति की शक्ति नहीं है। थोड़ा क्रोध या आवेश आ जाता है, कोई दुश्मन जबरदस्ती तब आता है जब अलबेलापन है या डबल लाख नहीं है। याद और सेवा का डबल लाख लगा दो, स्मृति स्वरूप रहो तो समर्थ बन सदा ही सेफ रहेंगे। स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए अपनी स्थिति निर्मांचित बनाओ।